तो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहो यार। मैं गॉड से यही विश करूँगा। तो यार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पंजाब एंड सिंध बैंक में अगर आपका अकाउंट है, ठीक है, तो आप कैसे मोबाइल बैंकिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो यार चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यार आप देख रहे हो विपांगन चैनल और हमेशा की तरह आपका आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, तो चलो यार हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार शुरू करने से पहले मैं बता दूं यार कि आप थोड़ा सा मेरे मेरा सपोर्ट कर दो यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थोड़े से सब्सक्राइबर की ज़रूरत है यार, सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो यार। आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ यार, आप लोग इतना भी नहीं कर सकते यार। ठीक है, तो यार सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक सबसे टॉप पे देख सकते हैं आ गया। अब यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन आ गया। ठीक है, आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इजीली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यार जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा और यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक आपको लिखा रहेगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके का आप आ जाएगा। इसके बाद आपसे एप्लीकेशन का पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, कि आपको कैसे बनाना है। ठीक, और इसके पहले अगर कहीं नहीं बना है तो आप अपने, तो मैं बताऊंगा कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, लास्ट में। ठीक, तो चलो तब तक यार इसकी सर्विसेज देख लेते हैं, कैसे सर्विसेज हैं। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, कि आप न्यू यूजर अगर हैं, ठीक है, तो मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी वेरिफिकेशन आ जाएगा और मोबाइल नंबर भी आपको इसमें देना पड़ता है। ठीक, तो मेरा वेरिफिकेशन हो जाए। जैसे ही ये वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का बढ़िया सा एक डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस डैशबोर्ड में आपको, आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंकिंग का ऑप्शन दिया रहा है, यहाँ पे पेमेंट्स का, या माई सेटअप का, या फीडबैक का, इनबॉक्स का एंड अदर सर्विसेज का दे रहा है। ठीक है, और नीचे में अबाउट का दे रहा है, रेफर ए फ्रेंड दे रहा है, एग्जिस्ट का दे रहा है बाहर निकलने का इस एप्लीकेशन से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड आपको मिल जाता है इसमें। तो यार जैसे ही आप अगर बैंकिंग में क्लिक करते हो ना, तब कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, जहाँ से आप बैलेंस इंक्वायरी, जैसा कि आप सब लाइन से लगे हुए हैं आप देख सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, ठीक है, एंड आईएमपीएस, ठीक है, ये कर सकते हो, फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो, रिक्वेस्ट टू बैंक मतलब पैसे मांग सकते हो, ले सकते हो किसी से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपसे सामने डैशबोर्ड दिखाई देता है, जहाँ से आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो कि अकाउंट में कितने रुपीज़ है, मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो कि चार पाँच बार में कितना कितना ट्रांजेक्शन, कितने टाइम पर किसके पास, किसके अकाउंट में हुआ है। ठीक है यार, ये आपको प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज। तो यार यहाँ पे इस वीडियो में मैं यही बताने वाला था, यहाँ से आप फीडबैक अपना दे सकते हो कि ये एप्लीकेशन कैसा रहा। ठीक है, हमें कितनी मिल रहा है, कितनी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो यार इस वीडियो में मैं इसी से बात करने वाला था, लेकिन यार कुछ इसमें मैं आपको बता दूँ कंडीशंस, कि आपको जो मोबाइल नंबर देना है, आपको मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके उस बैंक में रजिस्टर्ड हो। कौन, किस बैंक में? पंजाब एंड सिंध बैंक में। ठीक है, अदरवाइज़ ये लोकेट आपको नहीं करेगा और आपका ये आईडी पासवर्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है यार, तो यार आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा ध्यान से वीडियो को सुने होंगे, ठीक है, और आप अच्छे से काम करें इस पे। ठीक है यार, तो मैं यार आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना यार। चलो थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।